और इसी बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की। दिल्ली से बड़ी खबर है जहां बिहार में शिक्षक बहाली मामले में सुप्रीम कोर्ट में कल बड़ी सुनवाई होगी। बिहार सरकार की अर्जी पर यह सुनवाई होगी। बिहार में 1,70,000 से ज्यादा शिक्षकों की नियुक्ति होनी है और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में कल बड़ी सुनवाई है। दरअसल मामला बीएड पास शिक्षक अभ्यर्थियों से जुड़ा हुआ है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड। पटना से खबर है, शिक्षक भर्ती परीक्षा का जल्द रिजल्ट आ सकता है। शिक्षा विभाग के एसीएस के पाठक ने सभी डीएम को लिखा पत्र। शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया के लिए इंतजाम के निर्देश दिए गए हैं। डीआरसीसी के अतिरिक्त एक बैकअप केंद्र का इंतजाम हो, ऑनलाइन होगी नियुक्ति से जुड़ी औपचारिक प्रक्रिया और शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया के लिए इंतजाम के निर्देश शिक्षा विभाग के एसीएस के पाठक ने दिए हैं और सभी डीएम को यह निर्देश दिया गया और डीआरसीसी के अतिरिक्त एक बैकअप केंद्र की व्यवस्था करने की भी बात कही गई है। और संवाददाता प्रीतम फोलन प्रेस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रीतम, शिक्षक भर्ती परीक्षा का जल्द रिजल्ट आ सकता है और नियुक्ति प्रक्रिया के लिए सभी जो डीएम है उनको निर्देश भी के पाठक की ओर से दिया गया, क्या और जानकारी है? देखिए, ये जो है एक बात ये अब तय हो गई है कि जो परीक्षा ली गई थी 24 से 26 अगस्त के बीच, उस परीक्षा का रिजल्ट और हमारे भी सूत्रों ने बताया था कि जो परीक्षा वो अगले हफ्ता आ जाएगा। उसके बाद जो है सबसे बड़ा जो काम है शिक्षा विभाग के सामने, जो भी इसमें सफल होंगे 90,000 पदों के लिए जो बहाली हुई है, जो भी अब व्यक्ति सफल होंगे अब उनका जो है ऑनलाइन ही सारा काम होगा। उसके लिए एक पोर्टल तैयार किया है। तो शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव के पाठक ने सभी जिले के जो डीएम है और साथ साथ जो डीईओ है यानी जिला शिक्षा पदाधिकारी है उनको एक चिट्ठी लिखी है कि आपके यहाँ जो डीआरसीसी है जहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा था वो उसके लिए काफी जगह है, लेकिन चूंकि अतिरिक्त भीड़ जुटने को मिले और सारी चीजें बिना किसी हाल के हो लिया जाए उसके लिए एक बैकअप केंद्र की व्यवस्था की है और उसके लिए जो है ये निर्देश दिए गए हैं। तो और ये सब विभाग ने ये भी कहा है कि रोजाना 3 से 4 हजार जो है शिक्षकों का नियोजन होना है, 4 से 5 दिन ये काम चलेगा। तो डीआरसीसी में तो नियोजन की प्रक्रिया ऑनलाइन होगी, इसके साथ साथ एक ऐसा बैकअप केंद्र बनाया जाए जहाँ पर लोगों की एक्सेसिबिलिटी हो, आज आवाजाही में आसानी हो और दूसरी जो प्रक्रिया है उसको आसान तरीके से उसको निष्पादित की जाए। चलिए, इस पूरी बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बिहार में शिक्षक बहाली का रिजल्ट जारी होते ही अभ्यर्थी स्कूल ज्वाइन करेंगे। इसको लेकर शिक्षा विभाग के एसीएस के पाठक ने पत्र भी जारी कर दिया है। एसीएस ने सभी डीएम को निर्देश दिया है कि रिजल्ट जारी होते ही तुरंत वेरिफिकेशन कराते हुए अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग कराएं। इसको लेकर जिले में डीआरसीसी कार्यालय और अतिरिक्त स्थलों का चयन करने का निर्देश भी दिया गया है। और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता रजनीश कुमार। 70,000 पदों पर हुई शिक्षक बहाली परीक्षा का परिणाम जल्द ही जारी होने वाला है, जिसको लेकर एक तरफ जहां बिहार लोक सेवा आयोग युद्ध स्तर से तैयारी में जुटा हुआ है, वहीं शिक्षा विभाग ने भी तैयारी शुरू कर दी है। शिक्षा विभाग के एसीएस के पाठक ने सभी डीएम को निर्देश दिया है कि ज्वाइनिंग से पहले वेरिफिकेशन कराने को लेकर जगह का चयन करने यानी डीआरसीसी कार्यालय के साथ साथ जो अल्टरनेट प्लेस है उसका चयन करते हुए बैकअप तैयार रखें। तो केंद्रीयकृत तरीके से यानी सेंट्रलाइज तरीके से शिक्षकों की जांच होगी। एक तरफ जहां बीपीएससी ने पहले वेरिफिकेशन कर लिया, वहीं ज्वाइनिंग से पहले अब शिक्षा विभाग की तरफ से वेरिफिकेशन कराया जाएगा, उसके बाद ही ज्वाइनिंग होगी। ये तमाम जो प्रक्रिया है इसे 4 से 5 दिनों में पूरा करने का के पाठक ने निर्देश दिया है, जिसको लेकर कहा है कि पर्याप्त संख्या में कंप्यूटर, प्रिंटर, यूपीएस उपलब्ध कराया जाए ताकि बायोमेट्रिक डिवाइसेज के जरिए जो है उनकी जांच हो सके और उसके बाद स्कूल ज्वाइन कराया जा सके। तो बताते चलूं आपको कि 1,70,461 पदों पर शिक्षक बहाली के लिए परीक्षा हुई थी और जिसको लेकर अब अभ्यर्थी जो हैं इंतजार में हैं। माना यह जा रहा है कि 10 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर के बीच बीपीएससी कभी भी रिजल्ट जारी कर सकता है और उसके बाद तुरंत वेरिफिकेशन कराते हुए उन्हें स्कूल में ज्वाइन कराने के लिए के पाठक ने आदेश जारी कर दिया है। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना।